यो यो, क्या बोलती पब्लिक? आज अब उनका हार्ट बीट है फास्ट, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है स्टार्ट. सो माय कमेंट्री फ्लो विल बी स्लो बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट ऑन द फ्लोर. वेलकम टू स्विगी इंस्टामार्ट प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स कीरा वॉच पार्टी. मैं हूं आपकी होस्ट, उप्स, आपकी रैपर दोस्त नमिता सचदेव. तो लगातार 7 मुकाबले जीतने के बाद ये इंडिया का 8वां मुकाबला है, मैच नंबर 37, जो मेन इन ब्लू वर्ल्ड कप 2023 के इस मुकाबले में खेलने जा रहे हैं प्रोटियास यानी कि साउथ अफ्रीकन टीम के साथ कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय के ईडन गार्डन्स में. दैट्स इंटरेस्टिंग. वेल, आपको बता देती हूँ, आपको ना स्टेडियम जैसा एक्साइटमेंट, थ्रिल और एंटरटेनमेंट यहाँ, यस, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा. अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ होगा हमारा स्पेशल स्क्वाड, स्विगी इंस्टामार्ट और स्पोर्ट्स कीरा के हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के विनर. और जानते हो क्या, इनको मिला मौका हमारे साथ इस मैच को एंजॉय करने का इन आवर वेरी ओन ऑसम वॉच पार्टी. एक्साइटेड नो? तो आज के विनर एक ऐसी दुनिया से हैं जहां की सड़कें रिदम और राइम की भाषा बोलती हैं. यहां पे ना बीट ड्रॉप और राइम्स फ्लो होती हैं. तो ये है हिप हॉप की दुनिया की नई जनरेशन. और तुम सबको देख के भी. अच्छा, मैंने सुना की तुम लोगों ने कोई रैप तैयार किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? नहीं, किसने किया? अच्छा, सबकी निगाहें इधर थी, तालियां. ये मैच नहीं, फीलिंग से इंडिया की डीको के भारी, तो हिट मैंने रोहित भी, हर गेम हम जीत रहे ब्लेसिंग से लोगों की, और कोई छोड़े कैच तो कोई ले रहा विकेट, है क्लासिक के किंग इसलिए सेंचुरी विनिंग है, असामी है सामने तो बचना भी मुमकिन है, क्लासिंग का जलवा तो मियां का मैजिक है. यो आज मौसम का मिजाज है हिप हॉप और हमारे स्टेडियम का फील क्या है गाइज, लेट्स रॉक. भाई देखो, आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है ना, वो तो बड़ा कमाल का, जबरदस्त कांटे का होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है हमें, क्योंकि इंडिया हैज गॉट रोहित कोहली एंड बुमराह एंड साउथ अफ्रीका हैज गॉट डिकॉक मिलन एंड रबाडा. वाओ एंड हाउ, सो दिस मैच इज गोना बी ऑफ द हुक. भाई इतना सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है आज, और खाने पीने के लिए स्नैक्स या मंचीज ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? बट फिकर नॉट, स्विगी इंस्टामार्ट है ना अपने पास. जानते हो क्या, स्विगी इंस्टामार्ट से ना मंचीज, ग्रोसरीज, बेवरेजेस सब कुछ 10 मिनट में डिलीवर होता है. क्या बात है, तो क्या कहते हो मंगवा लूं? यस, मैं जल्दी से ऑर्डर प्लेस करती हूं ना. In the meantime, आपको भी बता देते हैं, टॉस हो गया है और रोहित शर्मा ने टॉस को जीत लिया है और पहले डिसाइड किया कि उनकी टीम करेगी क्या बैटिंग. अरे आ भी गया इतनी जल्दी, मैं लेके आती हूँ. अच्छा,
मंचीज आ गई है, एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त हो गया है। वैसे सही मायने में ना इसे कहते हैं फास्ट फूड, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंचीज, ग्रोसरीज, बेवरेजेस सब कुछ डिलीवर होता है कितने मिनटों में? सिर्फ 10 मिनटों में। और क्या चाहिए भाई? ऑल थैंक्स टू स्विगी इंस्टामार्ट। टीम इंडिया का स्कोर है 105/2। आपको बता देती हूँ, हमारी टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा आए, उन्होंने खूब चौके छक्कों की बौछार लगाई, साथ में शुभमन गिल भी थे, लेकिन 40 के स्कोर तक पहुंचते रोहित हो गए आउट। उनको आउट किया रवाड़ा ने, गिल भी ठीक ठाक खेल रहे थे, लग रहा था अच्छे रन बनाएंगे, लेकिन वो तो 23 पे ही आउट हो गए। बट जब कोहली आए, आते ही कमाल कर दिया, और आज हम वेट कर रहे हैं कि कोहली अपनी 49th सेंचुरी हिट करें, क्योंकि बर्थडे बॉय है, ये स्पेशल गिफ्ट तो उनको मिलना ही चाहिए। कोहली ना जब तक क्रीज पे टिके हुए हैं, तब तक टीम इंडिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 ही विकेट हुए। तो भाई फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो गई है, इंडिया की बैटिंग पूरी हो गई है, 326/5 रहे। वेल अभी बारी आती है साउथ अफ्रीकन टीम की, सो प्रोटियाज जो है ना उनको चेस करने अभी कितने रन, 327 रन करने हैं। देखना होगा कि क्या हमारे बोलर्स कमाल का अटैक करके अपनी बॉलिंग से अपनी जीत को इंश्योर कर पाते हैं। पहला विकेट डाउन हो चुका है। इतने कम रन बनाए और इतने सारे विकेट ऑलरेडी ले लिए हमने, दैट्स अमेजिंग मैन। एक बार ताली तो बजनी है हमारे इंडियन बॉलर्स के लिए, है ना। मैं बता देती हूँ आपको, 15 ओवर पूरे हो गए और 15 ओवर में इनके रन्स जो हुए, यानी साउथ अफ्रीकन टीम के कितने रन हुए, 52 पे 5 विकेट डाउन। वैसे निधि, व्हाई डू यू वॉच क्रिकेट, तुम्हारे लिए बेस्ट बात क्या है क्रिकेट की? विराट कोहली। लाइफ में कभी मौका मिले तो सबसे पहले तो बहुत सारे पैसे कमा के विराट कोहली से ही मिलने जाऊं। मैं तो इससे बड़ा फैन हूं विराट कोहली का, मैंने तो रैप भी लिखा है। लड़का क्या बात है, वेरी नाइस। यो यो नाचेंगे गाएंगे हम हिंदुस्तानी, आ जीतने की भूख हमें हिंदुस्तानी, आ कौन कितना स्कोर करे कंपटीशन भारी, आ सब प्लेयर एक नंबर इसलिए गेम है भारी, हम रॉक करे पार्टी, हिप हॉप है अपना जोन और दिखाएंगे कलाकारी, आ बीट बजे कानों में तू मूव देते, एक बॉल पे डॉट तो दूसरे बॉल पे हम सीख देते, विराट का है बर्थडे चलो साउथ अफ्रीका को हम गिफ्ट देते। साउथ अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में 83 रन्स पे ऑल आउट कर दिया, और इस मैच के हीरोज रहे रविंद्र जडेजा और विराट कोहली। एंड एज यू ऑल नो कि हम तो हर बार इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, तो 8वीं जीत आज इंडिया को मिली है और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हिप हॉप अंदाज में। टॉस भी हम जीते, ये मैच भी हम जीते, विराट का है बर्थडे 101 तक का ठीक है, सिराज ने लिया विकेट 2 ओवर के पहले, ये तो बस शुरुआत है, देखो होता क्या है आगे, गेम ही तो है हार या जीत तो होना यहाँ पे, जडेजा का 5 विकेट कमाल किया यहाँ पे, अलाउट किए सबको 83 पे, तभी तो प्राउड होता इंडियन हक से, ये वर्ल्ड कप हमारा, तुम लिख के ले लो अब हमसे। So this was Swiggy Instamart presents Sports Kira Watch Party, और आज इंडिया की जीत का जश्न देखकर एक ही बात कहने का मन कर रहा है,
He's so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Guys, just looking like a wow.